तो नवरात्रा चालू हो गया, सोचा था नवरात्रा चालू होने से पहले वीडियो शूट करूंगा, लेकिन नवरात्रा चालू होने के बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, जब गांव में आप पहली बार वीडियो शूट करोगे तो आपको 100% लाज शर्म आएगा ही, लेकिन आपको नहीं करना है। खैर जैसे मुझे ने कई लोगों ने बोला था कि हाँ वीडियो बनाओ, खैर मुझे भी थोड़ा सा शर्म लग गया था, फिर मैंने वो सब छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि यार क्या वो सब बोल के ही क्या करेंगे, फिर मैंने स्टार्ट किया सुबह का वीडियो। और गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो चलिए देखते हैं आज का न्यू ब्लॉग में, पहला ब्लॉग है यार, और गांव का देसी ब्लॉग आपको पता ही है। जैसे कि ये भाई साहब को देख सकते हैं, खैनी चुना रहा है, और कौन से स्टाइल में। ये जैसे कि सुबह सुबह उठ कर आए थे और थोड़ा सा घूमने के लिए तो यहाँ पे सामने बैठ गया था, और मैंने फिर आगे देखा तो मेरे को एक मक्खी परेशान, एक नहीं यार बहुत सारी मक्खी परेशान कर रहा था। फिर मैंने सोचा एक को मारूंगा तो सारा उड़ जाएगा, लेकिन एक सच में मर गया था, और लेकिन वो उड़ गया था, मरा नहीं था, वो उड़ गया था। फिर से आगे देखता हूँ तो एक नल लीकेज कर रहा था। खैर मैं एक प्लम्बर भी हूँ और मैं सोचा था कि इसको थोड़ा सा ठीक कर दूंगा, लेकिन ये तो आगे से पहले से ही स्लिप कर चुका है। स्लिप करने के बाद ये ठीक तो नहीं होगा, दूसरा लगेगा, क्योंकि ये ख़राब हो गया, बार बार यूज़ करने के बाद ये ख़राब होता ही है। और जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है बाबा और दादा चाचा से। जैसे कि एक चाचा ने आया था और बच्चे को लेकर उनके साथ खेलने लगा, और गांव में सबसे ज़्यादा बच्चों को प्यार किया जाता है, और सुबह सुबह उनको घुमाने के लिए भी ले जाते हैं चौक चौराहे पे। जैसे कि अब इसके बाद मुझे मुंह धोने का ज़रूरत था, थोड़ा सा दांत साफ करना था, उसके लिए मुझे दांतुल चाहिए, और बांस का एक दतमन लिया था मैंने और अपने दांत से चिबाने लगा। फिर मैंने आगे चल के देखा तो थोड़ी दूर में एक ड्रीम इलेवन लवर बैठे हुए हैं, और जो रात में टीम लगाया था वही चीज़ चेक कर रहे थे, कौन जीता कौन हारा, कितने नंबर पर कौन आया नहीं आया, ये सब देख रहा था। खैर मुझे इस स्टेप से कोई मतलब नहीं, मैं अपना थोड़ा सा दांत खुरचने लगा और साफ़ करने लगा। ड्रीम इलेवन में क्या है कि जिसको पता रहता है वही टीम लगाए, नहीं तो बाकी बात सबका यार रुपया भूल जाएगा, ये अच्छा चीज़ नहीं है, मुझे पता है। और ये बंदा जैसे कि आ गए थे मेरे से हॉटपॉट कनेक्ट करने के लिए, जैसे सुबह सुबह इनका नेट ही खत्म हो गया था, नेट नहीं रिचार्ज ही खत्म हो गया था। फिर मेरे पास आया और रिचार्ज करने के लिए बोल रहा था, फिर मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था तो कर सकता था, और मेरे दोस्त को देख सकते हो बाय बाय करके जा रहा है। खैर उनको पता था पहले से कि वीडियो शूट कर रहा है, इस वजह से वो बाय बाय कर रहा है, और देख सकते हो वो जा रहे हैं। वीडियो बनाने के लिए एक बेस्ट माइक चाहिए, और मेरे पास तो माइक पहले से ही था, लेकिन वो दूसरे बंदे ने ले लिया, और यहाँ पे देख सकते वो पहले से ही यहाँ पे लगा हुआ है ड्रीम इलेवन खेलने के लिए। खैर मैं वहाँ से माइक लेकर निकल दिया और आगे देखता हूँ। फिर मैं वहाँ देखता हूँ एक लड़के पानी टंपर लेकर ठा रहा है, और माइक लेकर मैं चल दिया अपने घर की ओर। और घर से जाने के बाद ये देख सकते हो ये रास्ता है, किस तरह से रास्ता है, इतना खतरनाक रास्ता है अंधेरे में। जैसे ही अंधेरा हो जाता है हम लोग इस रास्ते से नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है तो सुबह सुबह जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सांप बहुत निकलता है ये बस भिट्टी से बगल से होकर। जैसे कि देख सकते हो ये हमारे मक्का का खेत है, और इधर मक्का काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो इस बार थोड़ा सा गांव में देसी तरीका ही अपनाना चाहिए, और देसी तरीका अपनाने से बहुत फ़ायदा होता है, आप बीमारी से कोसों दूर रहोगे। खैर ये देख सकते हो हमारे घर है, और पूर्ण रूप से बना नहीं, अभी कोई बना है तो कोई अधूरा है, ऐसे करके है। खैर छोड़ो ये सब बात, पहले मैं अपना मुँह साफ कर लेता हूँ पानी से। खैर दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताना, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो। अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, कोशिश करूँगा कि उसका जवाब देने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।